47 घंटे हो गए चलते हुए, 47 नॉन स्टॉप। तो अभी ना हम ट्रक खरीदने वाले हैं। सो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू न्यू व्लॉग। आज का व्लॉग कुछ अलग होने वाला है, जैसे कि लास्ट वीडियो में बताया था कुछ सरप्राइज दे रहे हैं। तो आज हम चल रहे हैं मनाली से गोवा और गाड़ी अपनी टियागो रेडी है और जाना पड़ रहा है, कुछ काम है, वो वहीं पे जाके आपको सारा ब्रीफ करेंगे। पहले आपको रोड ट्रिप दिखाते हैं। तो जी ट्रिप अपनी हो गई है जीरो और देखेंगे कितने किलोमीटर पड़ेगा यहाँ से गोवा। सीधे बस चलते ही रहना है और थोड़ा चढ़ाई में भी दिक्कत हो रही है, सुबह सुबह गाड़ी गर्म नहीं हुई ना अभी। तो पूरे सुबह के 8 बज रहे हैं, थोड़ा सा हम लेट हुए, प्लान था कि जल्दी निकलेंगे 6 बजे के आसपास और 8 बजे निकल रहे हैं, देखते हैं पहुँचेंगे कब तक। और रात को पापा बोल रहे थे 4-5 बजे निकलेंगे और हम बोल रहे हैं 6 बजे, क्योंकि आज ब्रेकफास्ट तो अभी किया नहीं हमने, जल्दी निकल गए थे। और चाय पीने के बाद में फिर देखते हैं कहाँ कहाँ स्टॉपेज होंगे। अब वैसे नॉन स्टॉप से चलने का मूड है पर देखते हैं क्या आगे की कंडीशन बताएगी, वो डिपेंड करेगा अपनी कंडीशन पे। तो अभी ब्रेकफास्ट के लिए बैठे हैं, ये पहला अपना पड़ाव है, अभी ज़्यादा दूर निकले ही नहीं, मनाली से मुश्किल 20 किलोमीटर आ गए हैं। और ये ले रहे हैं पकोड़ा, मैं ले रहा हूँ पराठे, ये दोनों पकोड़े ले रहे हैं। बस ब्रेकफास्ट कर लें उसके बाद फिर निकलते हैं। तो जी ब्रेकफास्ट हो गया है और अब चलना है पूरा दिन, देखते हैं अगर रात का भी बना तो रात भी चल जाएंगे। फिलहाल अभी तो चलेंगे, अगली रात का देखेंगे। हाँ फिलहाल अभी जो मैं रूट लूंगा वो लूंगा यहाँ से सीधा जयपुर अंबाला होते हुए, अंबाला से कैथल के साइड से एक रूट है जो जयपुर निकलता है। तो जैसे जैसे निकलेंगे मैं आगे वीडियो में आपको बताता रहूँगा किधर से जा रहे हैं, कौन सा रूट अच्छा है, मतलब कौन सा रूट, तो वो सारा कुछ मैं आपको ब्रीफ भी करता रहूँगा साथ साथ में। तो अभी कुल्लू पहुंच चुके हैं और काफ़ी लोग पूछते हैं कि गाड़ी के माइलेज वगैरह कैसा है, गाड़ी की परफॉर्मेंस कैसी है हिल्स में। तो वो सारी वीडियो मैं मोटो व्हील्स इंडिया चैनल है मेरा दूसरा गाड़ी का, शायद कुछ नए लोगों को नहीं पता होगा, तो वहाँ पे मैं सारी चीज़ें शेयर करता हूँ। जिनको भी गाड़ी से रिलेटेड वीडियो देखनी है वहाँ जाके देख सकते हैं, अपनी टियागो की सारी डिटेल्स मैं वहाँ शेयर करता रहता हूँ। और कुल्लू पहुँचते पहुँचते लगभग 1 घंटा लग गया हमें। तो अभी जो सबसे खुश बंदा है ना हम तीनों में वो है ये पीछे बैठा है। बहुत खुश है ये क्योंकि जाके अपने दोस्तों से मिलना है इसे। इसे बस वही है सबसे पहले तो। और मस्त, मैं भी आराम से मैं ही जाऊंगा सबसे। क्या तुम गाड़ी चलाओगे, मम्मा तुम्हारे ध्यान रखेगी। हाँ। मैं क्या करूंगा, मैं मस्त आराम करते हुए जाऊंगा। हाँ। तू सोता हुआ जाएगा, टेंशन फ्री बंदा ही। सुरंग के अंदर जो कुल्लू से अगली वाली सुरंग है, हम इसे सुरंग ही बोलते हैं, वैसे टनल भी बोल देते हैं भाई काफी लोग को शायद नहीं पता होगा सुरंग। हाँ तो वैसे ये सुरंग ही होती है, पता है? तो बताना कितने लोग अभी भी सुरंग बोलते हैं इसको। मैं सुरंग बोलता नहीं पर मतलब पता है, कमेंट करके आप लोग बताना। बाकी अब इसके क्रॉस करते ही फिर रोड बड़ा मक्खन आएगा। वो मैं दिखाऊंगा क्रॉस करने के बाद कितना मक्खन रोड है।
और टनल के अंदर ओवरटेक करना थोड़ा सा रिस्की होता है, तो बड़ा केयरफुली चलाना पड़ता है यहाँ पे गाड़ी को। ये हमने क्रॉस कर ली है सुरंग, और अब देखते हैं कैसा रोड मिलेगा। ये है इधर मक्खन रोड, अब ये मंडी तक ऐसा ही मिलेगा, बिल्कुल मक्खन जैसा है। चलो अभी इधर काम चल रहा है तो काफी टाइम लग जाएगा इसमें शायद, और भी टनल्स बन रहे हैं। हाँ अराउंड ये 50 किलोमीटर, 50 से कम है थोड़ा, 40 किलोमीटर के आसपास काफी टाइम लग जाता है इधर, तो ये लंबा ट्रैफिक जाम है यहाँ पे थोड़ा सा। और ये मंडी से पहले है, यहाँ पे वो कटिंग चल रही है पत्थर की ना, तो उसकी वजह से ज़्यादा है। तो अभी मंडी क्रॉस नहीं हुआ है और घंटे हो गए 3 चले हुए, लगभग 118 किलोमीटर अभी चले हैं। अभी 118 तो कुछ भी नहीं है, और इस जाम से अभी मैं फेड अप बिल्कुल नहीं हो रहा हूँ, क्योंकि बहुत लंबा जाना है अभी, तो अगर यहाँ से फेड अप होने लगा तो आगे का क्या हाल होगा। और दिमाग को शांत रखो, ट्रैवल में वही सबसे अच्छा होता है, अगर जाम लग रहा है तो वही रुक जाओ, चलो ठीक है देखा जाएगा जो होगा, ये सोच लो, जल्दबाजी मत करो ज्यादा। और इधर मैं अपना आराम कंटिन्यू, हाँ उसका आराम चल रहा है कंटिन्यू, पीछे टांग पे टांग रख के, हाँ पिछली सीट वो पूरी कब्जा रखी है इसने, ये देखो। ये ऐसे वो है, चलो जब भी खुलेगा चलते रहेंगे धीरे 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 धीरे, मंडी से निकल जाए थोड़ा, मंडी में ट्रैफिक रहता है ज्यादा। मंडी से निकल जाएंगे फिर इतनी टेंशन नहीं है। हाँ अभी जब तक प्लेन आएगा तब तक थोड़ा टाइम लगेगा, जगह पे तो हर बार ही ट्रैफिक रहता है, वो कंस्ट्रक्शन हो रही है। नहीं नहीं ये उससे आगे आ गया एक्चुअली। तो अभी मंडी क्रॉस कर चुके हैं, वहाँ पे रोड का काम चल रहा है, तो उसमें ऐसे जाम लगा हुआ था काफी, लगभग 11:45 हो गए, 12 ही बज गए समझ लो, बज गए। हाँ काफी टाइम लगा यहाँ से निकलने में, 4 घंटे लगे। हाँ और अभी एक और जो घाट वाला एरिया आएगा वो अभी और पड़ेगा आगे, तो किरतपुर तक समझ लो अभी और 3 से 4 घंटे लगेंगे। हाँ। 3 घंटे तो मान के चलो आप पूरे, क्योंकि यहाँ से स्वार घाट है अभी 100 किलोमीटर, तो 100 किलोमीटर में 3 घंटे आराम से लग जाएंगे, पहाड़ों का एरिया है पूरा। क्या है मुंह में? ये दोनों ना खाने में लगे रहते हैं, तो ये पूरा डैशबोर्ड ना भरा पड़ा आगे से, दिखाना खोल के। क्या क्या है ये देखो, खुमानी है। और ये ना देखो मैंने कुछ लिया है, हिमाचल वाले लोगों को तो पता होगा ये कुछ है, फालसे नहीं है लेकिन ये कुछ और ही है। तो ये ना खाने में लगे रहते हैं दोनों के दोनों, छुटर पुटर चलता रहता है सब कुछ सच में, और मैं गाड़ी चलाने में लगा रहता हूँ। हाँ जैसे अरे वो मेरे को बोलते रहते हैं, अच्छा एक दिन मैं नहीं खाती, वो ज्यादा खाते हैं। तो अभी हमने क्रॉस किया है ये सुंदरनगर, अब अगला बिलासपुर, और बिलासपुर के बाद स्वार घाट शायद नीचे उतर जाएंगे उसके बाद में फिर जल्दी। बिलासपुर अभी दूर है, और ये देखो हालत आज गाड़ी की, कहाँ तक पानी आया है। तो अभी हम पी रहे हैं चमचा, और ये पहले जो होता था 2 रुपए का मिलता था, अभी 30 का मिल रहा है। तो बिलासपुर पहुँचने वाले हैं, और अभी वो पिया कंचा, इसे सोडा भी बोल देते हैं कुछ लोग, मैं कंचा बोलता हूँ, हम बचपन में कंचा बोलते, और ये बचपन में 2 रुपए का था जब हम पीते थे, अब जैसे जैसे पेट बढ़ा हुआ वैसे वैसे इसके रेट बढ़ गए। तो जितना का पेट जिम्मेदार है इसके रेट बढ़ाने।
हाँ जितना पेट बढ़ गया उतने इसके रेट बढ़ गए, अब 30 का हो गया और कई जगह तो 50 का भी मिलता है। हाँ। डिपेंड करता है कहाँ पे पी रहे हो आप, अभी भी कई जगह 10-15 का भी मिल जाता है अगर आप कई मार्केट वगैरह में लोकल में है। चलो अभी बिलासपुर पहुंचने वाले हैं, बस गाड़ी चले जा रही है, 1:30 हो गए, मतलब 1:30 बज गया है। तो अभी विंडशील्ड पे ज़्यादा ध्यान मत देना, बहुत गंदा हो रखा है और गाड़ी तो बुरी हालत है ही, दिखाया था मैंने पीछे। अभी हमने स्वार घाट क्रॉस किया है, लगभग 3:45 पूरे, तो और 15 या 20 मिनट हम पहुंच जाएंगे पंजाब के अंदर, उसके बाद में फिर प्लेन आ जाएगा। तो अब देखते हैं प्लेन में कितना चलते हैं, कैसे चलेगी गाड़ी। बाकी अभी तक सुबह से चले हैं, वो लोग चले हैं 230 किलोमीटर, हम स्वार घाट पूरा हमारे वहाँ से 230 किलोमीटर पड़ा। पंजाब के अंदर, तो पंजाब के अंदर एंटर होते ही आपको लगने लगा होगा पंजाब की रौनक एक अलग ही दिखती है, वो स्टार्ट हो गई है अब दिखनी। ये देखो इधर क्या हो रखा है गाड़ी का हाल, और लगभग 7.5 घंटे हो गए चलते हुए, तो अभी यहाँ रुके हैं, चाय वाय पियेंगे, मोनिका को भूख लगी थोड़ा खाना खाएंगे, दिन के 3:30 बज रहे हैं, तो पूरे 7.5 घंटे बाद ये पहला स्टॉप लिया है आज गाड़ी ने। और हम लोग पहुँचने वाले हैं रूपनगर, और अच्छा सा लंच हो गया है यहाँ पे हमारा, पंजाबी स्टाइल प्रॉपर। भरतगढ़ में थे अभी, हाँ भरतगढ़ में है, भरतगढ़ से जस्ट निकले हैं, और लंच में हमने खाया है दाल मखनी और पनीर बटर मसाला। हाँ। और क्या खाया, मिक्स वेज, जीरा राइस, रोटी, पता नहीं क्या क्या। और एक चीज नोटिस करी आपने, ये छाछ के साथ मेरी चाय से चीयर्स कर रही थी, तो चाय देखो बिल्कुल एकदम अपोजिट हो गए दोनों हम एक दूसरे के। Exactly. एक छाछ पी रहा है, एक चाय पी रहा है। हाँ। और वो फिर लड़ाई तो होनी है कहीं ना कहीं, पर उसका लॉजिक है, ये भी आप जानते हो किसको आखिर में हार माननी है, चाय को, ऑब्वियसली चाय हार मान जाएगी। और ये देखो, ये दिखा रहा है अभी गोवा अगोंडा जो हमारा घर है वहां तक दिखा रहा है, 1 घंटा 1 दिन 16 घंटे। सुबह ये दिखा रहा था 1 दिन कितने घंटे, 22 घंटे, तो थोड़े तो कम हो गए भाई, 23 दिखा रहा था, तो कितने कम हो गए, 3-4-7 घंटे कम हो गए। हाँ। उतना ही चले हम, हाँ उतना ही चले, मतलब ठीक ठीक हो जाएंगे, टेंशन मत लो, 1 दिन भला 2 दिन भी दिखाएगा तो भी चल आराम से निकल जाएंगे, पहुँचना तो है ही। और शीशा उसे साफ कर दिया है मैंने पूरा, अब कंडक्टर ही आगे की मोनिका से कराऊंगा मैं, मगर उसमें भी नकले निकाल निकाल के, हाँ तो निकाल लूंगा, अगर कंडक्टर की पिटाई बहुत होती है ये ध्यान रखियो। मैं पीटने वालों में से नहीं, मैं पीटने वालों में से हूँ। कंडक्टर अगर गलत काम करता है तो एकदम से ड्राइवर ना डांटता है उसे, कंडक्टर चौड़ा हो जाए तो ड्राइवर दब जाता है। और कंडक्टर की ना सबसे ज्यादा जरूरत पड़ती है पहाड़ों में, जब लेफ्ट साइड से दिखवा के देखना आगे से कुछ सवारी तो नहीं आ रही ओवरटेक करने के लिए। तो टाइम हुआ है 5:15 और हमने क्रॉस कर लिया खरड़, थोड़ी देर में हम पहुंचने वाले हैं अंबाला। अभी ये सिंगल रोड है उसी पे चल रहे हैं, ट्रैफिक अब ज़्यादा मिल रहा है इधर, इवनिंग का टाइम है तो ट्रैफिक थोड़ा बढ़ जाता है, सब लोग अपने अपने घर जाते हैं जैसे कि। Thank you.
पंजाब के नज़ारे दिखाते हुए जा रहे हैं और अभी बस हम हाईवे पकड़ने वाले हैं जो अम्बाला से जयपुर हाईवे है हिसार की तरफ, तो सीधे निकल रहे हैं। इस बार दिल्ली वगैरह उधर की तरफ का एरिया पूरा स्किप कर दिया है और हमने सोचा इधर से निकलते हैं। तो ये अंदर के रास्ते से कोई रास्ता दिखाया नेविगेशन गूगल बाबा। हाँ वैसे सबके लिए वो गूगल आंटी होती है, मेरे लिए गूगल बाबा होते हैं। हरियाणा में एंटर हो गए हैं और ये हमने हाईवे ले लिया कैथल की तरफ। हाईवे बड़ा अच्छा बना हुआ है ये, मैं पहली बार जा रहा हूँ इस रोड से। हम ज्यादातर उधर से ही निकलते थे, इधर से कभी निकले ही नहीं। अभी और ट्रैफिक भी कम है। हाँ 10 घंटे हो गए हैं पूरे चलते हुए। 374 किलोमीटर अभी कवर हुए हैं, बस 500 भी कवर नहीं हुए। तो अभी तो मतलब वहां से 2500 किलोमीटर दिखा रहा था मुझे गोवा, जिसमें से ऑलमोस्ट आप मान के चलो 400 के आसपास हो चुके, 2100 अभी भी बचे हैं। तो अभी तो कुछ भी सफर तय नहीं हुआ, ये समझ लो 10% हुआ है बस है। हाँ 10 से थोड़ा सा ज्यादा मान लो आप। तो ये एक नया एक्सप्रेसवे बन रहा है जो अम्बाला से सीधा नारनौल निकलता है, नारनौल से सीधा फिर जयपुर कोटपुतली होते हुए। पर अभी ये पूरा फंक्शनल नहीं है और गूगल मैप पे दिखा रहा है हमें, तो आ तो गए, अब देखते हैं क्या होगा आगे। कुछ पता नहीं है, मैं क्या बोल रही हूँ, कहीं बंद ना हो बस। नहीं आगे हम चढ़ गए फ्लाईओवर पे और फ्लाईओवर आगे खत्म, हमारी कार सीधी पता नहीं कहाँ जाए, हम कहाँ जाए कुछ पता नहीं, तो ध्यान से चलाना पड़ेगा। अभी वैसे एक दो जगह क्या इस पे बंद थी इसकी एंट्री। हाँ। इस पे चढ़ना बंद था एक दो जगह पीछे, बट वो पीछे की तरफ चढ़ना बंद था, वो नहीं इधर की तरफ नहीं था। हाँ। वो पीछे की तरफ जो था बंद वो पीछे से भी बंद था। हाँ, तो वो हम घूम का आए, उतने एरिया में शायद कुछ काम चल रहा है इसलिए उन्होंने बंद किया है। इधर को तो ये हमारे पाप का रोड है, कोई नहीं है दूर दूर तक, और अभी मुझे नहीं लगता इस पे कोई टोल भी होगा। तो हमने ऐसे ही एक हाईवे का और पहले उद्घाटन किया था, वो था लखनऊ से आगरा एक्सप्रेस वे। हाँ। तो उस पे कोई टोल नहीं था उस टाइम पे, 1 रुपया टोल लगा था हमारा। हाँ। 1 रुपया कैसे? हाँ, वो बोले कि ऐसे जस्ट आज फ्री जाने दे रहे, 1 रुपया दे जाओ पास के लिए। हाँ वो था उस टाइम पे, रात भी किया था हमने। हाँ उस टाइम पे टाटा नैन होती, तो लखनऊ से और दिल्ली आने में मुझे 8-8 घंटे लगे थे बस। हाँ बहुत कम था। तो अभी एक टोल था लेकिन अभी टोल इस पे कोई फंक्शनल नहीं है, ये हाईवे मतलब अभी पूरा हुआ नहीं है। हाँ लेकिन एक्सप्रेसवे है ये। हाँ चलो चलते हैं, थोड़ा फायदा ही हो जाए कुछ। बहुत टोल दे दिए इस ट्रिप पे हमने। तो अभी हम पहुंचने वाले हैं नारनौल, थोड़ा सा हाईवे ये अभी बन रहा है तो इतना अच्छा नहीं है, मतलब जगह जगह ना रोड पूरा ब्लॉक है तो कूद के दूसरी तरफ जाना पड़ता है, रात में रिकमेंड नहीं है। हम तो चलो फिर भी पहुंच गए, अभी लगभग 10 बजे हैं, 10 बजे तक यहाँ आ गए और अब यहाँ से जयपुर बचा है 150 किलोमीटर के आसपास, अराउंड 155 या 150 पड़ा, कितना बचा होगा, थोड़ा लगेगा अभी टाइम, आगे का रोड कैसा है वो देखना पड़ेगा। तो कोटपुतली क्रॉस हो चुका है और अभी यहाँ पे आके बैठे हैं, थोड़ा सा कुछ खाया हल्का फुल्का, अब चलेंगे आगे, थोड़ा रेस्ट हुआ। गाड़ी चली है अभी 724 किलोमीटर, उसके बाद में ये पहला रेस्ट हुआ है जिसमें क्या बीच में बस लंच किया था, लंच हल्का सा, और बाकी अब टाइम हो रहा है 11 पूरे, तो लगभग 15 घंटे गाड़ी चल गई है और 15 घंटे में 730 किलोमीटर चले हैं अभी, क्योंकि पहाड़ों का एरिया था
बस अब हाईवे पे हैं, थोड़ा जयपुर और अभी यहाँ से बचा है अराउंड 80 किलोमीटर के आसपास, तो देखते हैं अभी थोड़ा आराम करूँगा यहाँ पे, देन उसके बाद फिर चलेंगे। तो अभी लाइट वाइट साफ करी है, लाइट बहुत गंदी हो रखी थी और अब चल पड़े आगे, तो अब थोड़ी जो है लाइट अच्छी आ रही है, वरना वो गंदी हो गई थी क्योंकि कीचड़ उचड़ में आई थी ना निकल के जैसे गाड़ी, तो पूरा वो लगा हुआ था कीचड़ फॉग लैंप पे भी और हेडलाइट पे भी। चलो जी अब नाइट ड्राइव स्टार्ट। नाइट ड्राइव तो बहुत पहले से चल रही है वैसे, और नींद अभी नहीं आ रही थी बिल्कुल भी, तो मैं सोचा कि चलो चलते हैं आराम आराम से। 5:30 हो रहे हैं, 21.5 घंटे गाड़ी चली है 974, और हम खड़े हैं अभी राजस्थान, राजस्थान के कौन से एरिया, अजमेर के आगे, और अभी यहाँ से आगे चलते हैं। तो ये उदयपुर की तरफ अभी हम निकल रहे हैं, सुबह हो गई है, तो गुड मॉर्निंग, और अब आप आगे चलते हैं, हाईवे ये भी अच्छा है। तो 21.5 घंटे गाड़ी चलाई है और बीच में 1.5 घंटा सोया हूँ, तो लग रहा है कि अभी कुछ थकान उकान मुझे तो लग नहीं रही है अभी, और अभी मुंह धुला है, पेट्रोल पंप था तो वहाँ पे मुंह धुला, पानी पिया अपने, थोड़ा फ्रेश हुआ, और अब फिर चलते हैं आगे। तो उदयपुर अभी मुझे लग रहा है कि लगेंगे यहाँ से 4 घंटे, 3 से 4 घंटे लग जाएंगे आराम से। चलो अब दिखाते चलते हैं, दिन निकल गया तो अब तो नजारे ही दिखाएंगे। रात भर तो कुछ दिखाया ही नहीं, रात में तो मैं भगाई है गाड़ी बस। तो लगभग 1050 किलोमीटर चलने के बाद ना अब चेक किया, एक तो वाइपर पानी फुल किया है इसमें, कूलेंट वगैरह सब ओके है, बस थोड़ी सी नॉर्मल चेकअप में बीच में देखता रहता हूँ, चेक करता रहता हूँ, ब्रेक फ्लूइड भी है, सारा कुछ ओके है, ये पानी आया हुआ है इसके ऊपर वाइपर वाला, इधर भी पानी आया हुआ है। चलो गंदी तो रखी है अच्छी, फिल्टर साफ कराना पड़ेगा। गाड़ी का प्यार, हाँ गाड़ी का प्यार 2.0 नहीं, ये तो पता नहीं कितने पॉइंट हो गया होगा, तब से तो हो गया। हाँ 3.0 हो गया, कैमरे में 3.0 हो गया, रियल लाइफ में याद नहीं। हाँ रियल लाइफ में तो हर रोज ही होता है। ज्यादा कोरा दिख रहा, मुंह धो के देखो। तो सब काम एक तरफ, गाड़ी की सफाई एक तरफ, शीशा बिल्कुल क्लीन चाहिए तभी गाड़ी चलाने में मजा आता है, अपना और गाड़ी का मुंह धोते रहे। हाँ हम दोनों, मैं और मेरी गाड़ी, बस मुंह धोते रहते थे हम। रात में भी मैंने गाड़ी की लाइट वाइट धुल ली थी। तो अभी उदयपुर कितना बता रही हो मोनिका, 180 के आसपास है, तो ये समझ लो आप 2 घंटे, बस 2 घंटे में वहाँ पहुँच जाएंगे। 6:40 हो रहे हैं, 8:40 तक, 8:40 नहीं तो 9 तक तो लगी जाएंगे हम, जैसा हाईवे है और जैसी स्पीड मिल रही है, ट्रैफिक कम है तो वो भी एक फ़ायदा है, और वीडियो तो बहुत लंबी होने वाली है, पर जितनी भी लंबी होगी सारा कुछ दिखाऊंगा आपको। स्पीड चल रही है और अभी चित्तौड़गढ़ साइड में रह गया, उदयपुर भी साइड से बच जाएगा इस हाईवे से। हाईवे अच्छा है, ये रिकमेंड है अगर कोई आना चाहता है बाई रोड ना, तो ये वाला हाईवे ले ले, किशनगढ़ से सीधा कट जाओ उदयपुर की तरफ को, वो लेफ्ट साइड में मतलब जब जयपुर से आते हैं, और फिर बस चलते जाओ मस्त,
और व्यू भी बड़े अच्छे अच्छे हैं साइडों में। खैर राजस्थान की गर्मी है तो गर्मी तो राजस्थान की सबको पता ही है कैसी है, मई चल रही है और अभी तो खैर सुबह का टाइम है तो इतनी नहीं लग रही, तो एसी फिर भी मैंने अभी भी ऑन कर रखा है, बंद करते हैं तो फिर थोड़ा वो सफोकेशन सा लगता है। बट हाँ ड्राइव कर रहे हैं, बहुत मज़ा आ रहा है, थकान बिल्कुल भी नहीं लग रही, लग ही नहीं रहा 24 घंटे हो गए चलाए हुए, क्योंकि कितना टाइम हो गया है 7:43 तो 24 घंटे होने वाले हैं और किलोमीटर चले हैं 1135। अभी हम रुके हैं, होटल है चरण कमल और थोड़ा चाय वाय पीते हैं, नाश्ता तो कुछ है नहीं अभी इनके पास, खाने में ही है तो अभी चाय और बिस्किट पीते हैं, बैठे हैं अपने खाटों पे इधर और थोड़ी सी नींद भी खींचता हूँ यहाँ पे, अब 5 मिनट में फ्रेश हो जाता हूँ फिर दोबारा से। और हम लोग ना ये नया रूट लिया था तो रूट तो काफ़ी अच्छा रहा, अगर आप भी आ रहे हो इस तरफ तो ये रूट लो मेरे हिसाब से, तो क्योंकि जो ब्यावर वाला रूट है वो उतना अच्छा नहीं हम मुझे लगा। और पहुंचने वाले हैं हम उदयपुर, उदयपुर बचा है सिर्फ 30 किलोमीटर यहाँ से, और उदयपुर भी हमें अंदर नहीं घुसना पड़ेगा, ये बाहर बाहर बाईपास से निकाल देगा, तो ये भी एक अच्छी चीज़ है। तो आज फुल एंजॉय ले रहे हैं ड्राइविंग का। अरे मेरे को बाल तो ठीक करने दो। और पता है अभी हम क्या बातें कर रहे थे, मैं कह रही थी राजस्थान के लोग जो गांव एरिया के लोग होते हैं वो बहुत पतले होते हैं, तो मतलब हम किसी राजस्थान के गांव में रहने लगते हैं तो हम भी पतले हो जाएंगे। और ये हमारी कंडक्टर है और हमारा डीजे मास्टर पीछे बैठा है। हाँ, ये हमारा जब मैं बोर होता हूँ तो गाने ये बजाता है, मैं इसके हाथ में कमान देता हूँ बस। और लेकिन मम्मा को मेरे गाने पसंद नहीं आते, ये खराब डीजे मास्टर, इसको कुछ नहीं आता। पापा को पसंद आते हैं, तुम्हें ही नहीं आते बस। ड्राइविंग करते हुए सिद्धू मूसे वाला बज रहा हो तो फिर कहने क्या है, अलग ही को वही पसंद नहीं आता। मुझे नहीं पसंद आता मुझे। ट्रैफिक काफी था हाँ। जबकि बाहर के रोड से आए थे, बिल्कुल आउटर रोड, सिटी में घुसे ही नहीं हम, बट सिंगल था रोड तो ये प्रॉब्लम थी। और टाइम हुआ है सुबह के 10 बज गए पूरे, 10 बजे हमने उदयपुर क्रॉस कर लिया तो 26 आवर्स हो गए चलते चलते हमें, और आधे से ज्यादा रास्ता हमारा तय हो गया है। हाँ आधे से ज्यादा तो तय हो गया है हाँ। अभी अगला टारगेट है मुंबई, कब तक पहुँचते हैं, होपफुली आज रात 10-11 बजे तक पहुँच जाएंगे, उम्मीद तो यही है हाँ, अगर सब अच्छा चलता रहा तो। कहाँ मनाली की ठंड और कहाँ राजस्थान की गर्मी, अभी बाहर निकला था मैं गाड़ी में थोड़ा सा काम करने के लिए, ये टावल वगैरह लगाने के लिए बुरी हालत हो गई, एकदम रेड हो गया चेहरा, इतनी गर्म हवा है, लू चल रही है बिल्कुल अच्छी वाली, ऐसा लग रहा है मतलब जैसे कैमरा बाहर निकालने के लिए हरविंदर कभी कभी कहते हैं ना कि ये क्लिप ले लो वो क्लिप ले लो, तो मनाली में हाथ ठहर जाता था, जल जाता है, जल जाता है पूरा। ये आ गए जी टोल उदयपुर से आ गए, और अभी तक का ये मैं सबसे महंगा टोल दे रहा हूँ NH वाला, ये है 165 रुपीज का, इतना महंगा मैंने अभी तक कोई दिया नहीं था, ये लिखा है इधर, खोल दो भाई। चलो
तो फाइनली अपना ब्रंच हो गया 12 बजे और ये हम रुके थे, ये है NH8 करके रेस्टो, काफ़ी अच्छा था, साफ़ सुथरा है काफ़ी, और मतलब हाईवे के एकदम पास में ही है, तो अच्छा लगा यहाँ पे, खाना भी अच्छा था और टेस्टी था। तो अब आगे निकलते हैं, अब देखो खाना खाया है तो नींद आएगी कहीं ना कहीं, तो थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा मुझे ज़्यादा, अब ज़्यादा ध्यान से चलानी पड़ेगी गाड़ी मुझे। तो कुछ ही क्षणों में हम एंटर करने वाले हैं ड्राई स्टेट गुजरात, जहाँ पर गाड़ी चेक होने के भी चांसेस हैं। हाँ एक बार मेरी पूरी गाड़ी खुलवा दी थी जब मैं पहली बार टियागो लेके आया था। नहीं नैनो, नहीं टियागो लेके आया था, नैनो थी, नैनो थी, नैनो थी, याद है टियागो, मोनिका टियागो खुलवाई थी, नैनो तो रोकी भी नहीं थी, टियागो का पहला व्लॉग था, याद भी है तुम्हें? चलो जो भी है, नैनो में पीछे डिक्की थी, पता नहीं, हाँ 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 टियागो, तो अरे भैया आज हम हार गए। तो ये दोनों ना कई बार पता नहीं मुझे बिल्कुल ही मूर्ख समझते हैं। नहीं नहीं, नहीं पता, मेरी याददाश्त बहुत की क्या बात हो गई, ये तो याददाश्त का चक्कर होता है, हमारी खराब है आपकी अच्छी है, चलो ये मान लेते हैं। हाँ चलो, तो अभी हम गुजरात में एंटर करने वाले हैं और खाना तो हो गया था, पर अभी नींद नहीं आ रही है, बट अगर नींद आई तो मैं सोऊंगा एक घंटा कहीं भी गाड़ी लगा के ना, ठंड, बट यह सोना ही बड़ा मुश्किल है, इतनी गर्म हवा है, या तो एसी ऑन करके रखो अपनी गाड़ी, स्टार्ट रखो तभी सो सकता है आदमी, बस बिना एसी के तो सो नहीं सकता, बहुत गर्म हवा है। तो सामने चेक पोस्ट है गुजरात का, ये लो जी गुजरात हाथ आ गया हमारे फाइनली। हाँ, बड़ी मुश्किल, कौन से नंबर का स्टेट है, हिमाचल, पंजाब, हरियाणा, हरियाणा के बाद राजस्थान और अब ये गुजरात, और अभी महाराष्ट्र है बचा और कर्नाटक भी शायद जा सकते हैं। हाँ, कर्नाटक भी लग सकता है। हाँ। कंडक्टर साहब एक पानी की बोतल प्लीज ले आओ ना, गर्मी ना बहुत ज़्यादा है इधर और प्यास बहुत लग रही है, अब पानी की जरूरत पड़ रही है। बीच में आराम किया मैंने करीब आधे से पौन घंटा, बहुत मस्त वाला आराम हुआ और अब एकदम फिर से फ्रेश हो गया हूँ। टाइम हुआ है 2:55, मतलब 3 बज गए दोपहर के, और अभी हम गोधरा से थोड़ा पीछे हैं अराउंड 50 किलोमीटर, तो मुंबई का जो टाइम दिखा रहा है यहाँ से वो दिखा रहा है लगभग 12:30 से 1 बज जाएगा रात का, बट देखते हैं किस टाइम तक पहुँचेंगे एग्जैक्ट, वो मैं बता दूंगा आपको। अभी फ़िलहाल यहाँ पे ट्रैफिक कम है तो स्पीड बड़ी अच्छी मिल रही है गाड़ी की, और चले जा रहा हूँ धुआंधार। तो ये देखो क्या खरीद रहे हैं, ये क्या है इसको, ये लोग बोलते हैं ताड़ फल। अच्छा अच्छा, ये नारियल टाइप है तो उसके अंदर के वो निकाल लेते हैं बस। क्या रेट है? 50 रुपये के 20। 50 के 20, अच्छा अच्छा वाह, चलो ये खाएंगे अब, यही मजा है रोड ट्रेवल का। ये ऊपर का नहीं खाना, छील के उसको अंदर की जेली खा। तो ये जेली खानी है इसके अंदर की, अच्छी है, बढ़िया, मेरे हाथ सन गए मगर। तो एक बार इसके टायर भी चेक कर लूँ, पता चला मैं भगाया जा रहा हूँ, गर्म तो हो रखे हैं बहुत, क्योंकि गर्मी ऐसी हो रखी है, और ये देखो ये निशानी है, अभी भी वडोदरा बचा है अराउंड 50 किलोमीटर के आसपास। तो चलो अब आगे चलते हैं, ये ले लिए मोनिका ने, और ऐसे नहीं बोला आपने क्या क्या सांग लेती रहती? नहीं कोई नहीं, लेती रहो तुम। ये हंसी मजाक चलता रहता है, इसको माइंड मत क्या करना आप? मैं कुछ भी ऐसा, मतलब पेरीज बेर ये सब मुझे बहुत पसंद है, मैं ऐसा कुछ भी लेती हूँ, पता नहीं क्या क्या सांग खाती रहती है। चलो और टाइम हो गया 4:15, तो ये जो पेड़ दिख रहा है ना ये ताड़ का है, ये आगे भी एक दिखेगा आपको, ऊंचा नारियल जैसा लगता है। हाँ, तो ये जो हमने खरीदा है ये इसी का वो है, ये वाला ये दिख रहा है लंबा सा। हाँ। ताड़ी भी बनती है इसकी। हाँ, शायद इसी की ताड़ी बनती है।
पता नहीं, पता नहीं, आप बताना, आपको तो ज्यादा पता होगा कि किसी ना किसी को तो। तो ये सामने वडोदरा रह गया और हमने ले लिया है बाहर से ही बाईपास और हम मुड़ गए हैं ये जो अहमदाबाद मुंबई वाला हाईवे है उस पे। और अब देखो सीधे मुंबई, बाकी बीच में किधर नहीं रुकना और ट्राई करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा डिस्टेंस तय कर लें रात में, क्योंकि रात में थोड़ा ठंडा होता है। बट सबसे मुश्किल चीज़ है कि नींद भी रात में ही आती है, पर देखो क्या होता है। और चलते हैं यहाँ से अभी फिलहाल। 5 बज गए हैं और हम हैं वडोदरा। वडोदरा से अब बाईपास से ही निकल रहे हैं, अंदर तो जाने का मतलब ही नहीं सिटी में। और बस अब चलना है आराम आराम से, ज़्यादा टेंशन वाला काम नहीं है, आराम आराम से चल रहा है बिल्कुल। जब से दिन में 1 घंटा मैं सोया था ना, वो खाना खाने के बाद मैंने गाड़ी ड्राइव करी और ड्राइव करके थोड़ी देर सोया, उसके बाद से नींद ही नहीं आ रही। अब वो नींद मेरी तरफ ट्रांसफर हो गई है। ये बहुत सो रही है। मुझे नींद ही आ जा रही है तब से। चलो तो ट्रैफिक तो बहुत ज़्यादा है अभी हाईवे पे और रहेगा। वैसे मैं जब नैनो से गया था तो नैनो से मैंने 6 घंटे में कवर कर लिया था वडोदरा से दिल्ली। दिल्ली नहीं, मुंबई। मुंबई मुंबई मैं एक्चुअली ना ज़्यादातर अपना ध्यान उस पर रहता है ड्राइविंग पे, तो क्या बोल रहा हूँ कई बार पता ही चलता। तो देखते हैं आज किस टाइम तक पहुँचते हैं। 5 बजे हमने वडोदरा से निकल गए थे, तो ट्रैफिक आप देख लो कैसा है। बस इधर से इधर लेन नहीं चेंज करने में लगे हुए हैं, कभी मिडल लेन, कभी लोअर पे, कभी ओवरटेकिंग लेन में जा रहे हैं। तो यही बस इस हाईवे पे यही सबसे बड़ा वो लगता है मुझे, ट्रकों का ट्रैफिक बहुत ज़्यादा होता है और लेन में वो चलते थे। हाँ, वो इधर उधर चेंज तो करते रहते हैं लेन। बाहर गर्मी तो शाम के 6 बज रहे हैं जबकि अभी भी गर्मी काफी है। एक एक चाय पी मैंने, 2 पी मोनिका ने, एक मानी चाहिए किसी को अभी तक भी बची है। मानी अभी लेके रखे घूम रही है मोनिका भी, ये भी है। और गाड़ी को थोड़ा सा आराम मिल गया, अब आधा घंटा लगभग, आधा तो नहीं 15 मिनट यहाँ पे रेस्ट किया हमने और अब थोड़ा गाड़ी को आराम देना जरूरी था क्योंकि 2:30 बजे से चल रहे थे लगातार, 6 बजे रुके। अब चलते हैं आगे, तो अभी देखो कब तक पहुंचेंगे। शाम की इवनिंग और ये सब दिखा दूंगा, अगर सुबह कहाँ होगी कल की ये नहीं पता हमें। पता लगा पुणे में ही सोए पड़े। इतना बुरा था तो बहुत स्लो चलना पड़ा, काफ़ी ज़्यादा ट्रैफिक था पीछे। और अभी भी मुंबई है यहाँ से ऑलमोस्ट 200 किलोमीटर, 195। चलो कोई नहीं, आराम आराम से निकलेंगे, थोड़ा लेट तो है पर कोई नहीं, आराम आराम से चलते रहेंगे। गुजरात से अब थोड़ी देर में ही बस महाराष्ट्र में एंटर हो जाएंगे। रात का 1:30 बज रहा है और हम मुंबई की सड़कों पे घूम रहे हैं और यहाँ का ट्रैफिक मुझे लगता है कभी बंद ही नहीं होता। सीधे
मोनी का नेविगेशन लगाए हुए है क्योंकि मुंबई क्रॉस करना मेरे लिए सबसे बड़ा टास्क होता है। अभी रात कहाँ हुई थी हमारी, सूरत के आसपास, और दिन निकला है सतारा के आसपास। तो सतारा से 30 किलोमीटर पीछे खड़े हुए हैं, एक अमृत तुल्य चाय पी है और अब यहाँ से आगे निकलते हैं। टाइम हो रहा है 6:45, 6:45, और इधर बादल हो रखे हैं, मौसम बड़ा ठंडा है, बढ़िया एकदम मस्त हो रखा है, बीच में गर्मी जैसे मिल रही थी राजस्थान साइड। तो अब आगे चलते हैं। और अब टाइम कितना हो गया, कितने घंटे हो गए मोनिका? 6:40 47 घंटे हो गए चलते हुए। 47 नॉन स्टॉप, विश्वास नहीं हो रहा मुझे। और बस रात एक जगह एक ब्रेक लिया था, 1 से 1.5 घंटा लगभग, एक ही घंटा वहाँ पे मैं सो गया था और उसके बाद फिर से चलने लगा। नारियल के पेड़ मिक्स वो मिस कर रहे हैं थोड़ा सा, थोड़े थोड़े हैं, कम है। हाँ, इधर कम। तो अभी ना हम ट्रक खरीदने वाले हैं, और ट्रक का फायदा क्या रहेगा ना, ट्रक में एक तो ट्रैवल का ट्रैवल चलेगा और सामान भी ले गए इधर से लोड करके, मोनिका कंडक्टर है, और तीनों उसमें सो भी जाया करेंगे, उसका अपना मतलब पूरा वो रहने उने का और किचन उचन का सब बना देंगे। आधे में सामान लोड कर लिया, लाए तो सामान लोड कर लाए, तो डबल फायदा रहेगा उसका। और चलाने वाले मैं हूँ ही पक्का, अब ट्रक ड्राइवर की तरह हो ही गया मैं। अभी कितने घंटे, 12:30 हो रहे हैं दिन के, तो कितने घंटे हो गए हैं, 48 और 4, 8 बजे चले थे हम परसों। हाँ। तो लगभग 52.5 घंटे हो गए हैं, और अभी 3 घंटे तो लगेंगे मिनिमम। हाँ, मिनिमम लगेंगे, उससे ज्यादा हाँ। भी लग सकते हैं। तो आराम से जा रहे हैं, बट यहाँ ये नहीं कि बहुत जल्दी करी है हमने कि नहीं मुझे कोई रिकॉर्ड बनाने हैं, पर हाँ चलते रहे कि भाई चलना है। हाँ। और बीच में 4-5 घंटे का रेस्ट भी लिया मैंने, ऐसा नहीं है कि बीच में सोया नहीं हूँ, तो कभी दिन में जहाँ पे नींद लगती थी वहाँ पे सो जाता था 1 घंटा। अभी कोल्हापुर में हमने ब्रेकफास्ट 1 घंटे में किया। हाँ। बड़े मजे में, और पूरा 1 घंटा आराम से लगा के ब्रेकफास्ट हुआ। तो इस तरह से चले हैं हम इस ट्रिप, जो ये ट्रिप थी नॉन स्टॉप अपनी, पर चलते रहे। हाँ, ये नहीं है कि रुक गए, नहीं कहीं पे। हाँ। स्टे कहीं पे नहीं लिया। हाँ। तो ट्रक का आइडिया बताना कैसा रहेगा? सोच रहे हो ट्रक खरीद लूं एक। तो हम क्या है, हमारे साथ साथ में मोनिका बरसात भी आ रही है। बारिश आ गई। हाँ। और अभी हम खड़े हैं अम्बोली घाट, तो पीछे थोड़ा सा आपने व्यू देखा, यहाँ पे ये सारे में दुकानें लगी हुई हैं, यहाँ पे बड़ा पाव खाते हैं और एक एक चाय पीते हैं। और मैं एक मम्मा का कांड बताता हूँ, लास्ट बार जब हम अम्बोली घाट आए थे हम कहीं वहाँ पे खाना खा रहे थे, और फिर मम्मा ऐसे यहाँ पे ये इस पे कुर्सी पे ऐसे बैठी पड़ी, और यहाँ से बीच में ये वो थी दो अलग अलग तीन,
मर्ज हो रही थी और उनमें से एक से सीधा मम्मा के ऊपर सारा पानी गिर गया और बहुत तड़ाकेदार बारिश हो रही थी। पूरी बारिश का जितना भी पानी इकट्ठा हुआ वो मेरे ऊपर गिर गया। तो वैसे ज्यादातर लोगों को पता होगा बट यहाँ का वाटरफॉल बहुत मजेदार होता है बरसातों में। अभी भी थोड़ा बहुत पानी आ रहा होगा, दिखाऊंगा वहां से। और सामने का जो व्यू होता है वो बहुत मस्त होता है घाटी का, वो भी दिखाता हूँ थोड़ा। पंजिम तक 2600 किलोमीटर कंप्लीट हो चुके हैं, 2600 ही बोल लो वैसे ऊपर है। और हम फाइनली पहुंच चुके हैं गोवा के अंदर, पंजिम क्रॉस कर दिया है और अभी हम जा रहे हैं अगोंडा, अपना फेवरेट प्लेस। तो पहुंच गए हैं अभी बिल्कुल अगोंडा और गाड़ी जो चली है वो चली है 2687 किलोमीटर पूरी। परसों से चल रहे हैं 10 तारीख से और आज है 12 तारीख, टाइम हो रहा है पूरे 5 बज गए। तो ये लगे हैं 56 घंटे और समय, मतलब 56 घंटे पूरे लग गए अब तक 56। तो फाइनली पहुंच गए थे और ये अब मैं अगले दिन एंडिंग कर रहा हूँ क्योंकि कल तो हिम्मत ही नहीं बची थी कि भाई दोबारा कैमरा ऑन करने की। तो टोटल करीब कितने घंटे चलाई हमने गाड़ी, करीब 56 घंटे हो गए थे हमें चलाते हुए। और ये पहला मेरा इतना लंबा ट्रैवल हुआ है, इससे पहले वैसे मैंने 40 और 45 घंटे कर चुका था बट ये उसका भी रिकॉर्ड टूट गया। बट ये कोई बड़ी बात नहीं होती है रिकॉर्ड तोड़ने वाली या ऐसा कुछ नहीं था, हमें आना था, पहुंचना था। और अब काफ़ी व्यूवर्स मतलब सोचे होंगे कि यहाँ पे क्यों आए हैं, क्यों एकदम सडनली गोवा आ गए, हिमाचल एकदम छोड़ के यहाँ पे आ गए। तो बहुत सारे क्वेश्चन होंगे आप लोगों के, तो आगे अगली वीडियोस में मैं आपको बताता रहूँगा। ये वीडियो ऑलरेडी बहुत लंबी हो गई है तो सारा कुछ उसमें बताते रहेंगे। बाकी 2300 या 2400 के आसपास टोल लगे टोटल, मैंने काउंट कुछ नहीं किया बिल्कुल भी, ना पेट्रोल का काउंट किया। और इस बीच में ना इतने सारे घंटों में कंटिन्यू हम मतलब हरविंदर ने अप्रॉक्सीमेट 4 पावर नैप लिए एक एक घंटे के अप्रॉक्सीमेट। हाँ, उससे ज़्यादा बाकी खाने के लिए और उसके लिए रुके बस हम। हाँ, कहीं कहीं पे हम खाने के लिए रुके। हाँ, और या फिर कहीं पे पेट्रोल डलवाना है तो रुका, तो रुके, तो और ज़्यादा नहीं रुका। बट हाँ, सारी चीज़ें ना कंट्रोल में रखी कि स्पीड भी, और कहीं पर मुझे लगता था कि एक सेकेंड के लिए भी मुझे लग रहा है ना कि सुस्ती हो रही है या फिर थोड़ा सा बॉडी हाँ लग रहा है कि आराम चाहिए, तो मैं रोक के कहीं भी पेट्रोल पंप पे या फिर कहीं भी ढाबे पे रोक के मुंह धुलता था और देन उसके बाद फिर रिलैक्स करके थोड़ी देर घूमा फिरा, उससे पूरा माइंड चेंज हो जाता था उतने उससे। तो सही सलामत पहुंच गए बिल्कुल अच्छे से। एंड कमेंट करके बताना इस वीडियो को, जितना आप शेयर कर सकते हो शेयर करना अपने यार दोस्तों के साथ में। तो मनाली से गोवा पॉसिबल है बाई कार, आप आ सकते हो। हाँ, बेशक आप स्टॉप लेके आओ, कोई दिक्कत नहीं, आराम से आओ आप, आराम से 50 घंटे में पहुंच जाओगे, 50 से भी कम ही पहुंच जाओगे। डिपेंड करेगा आप कितने तेज गाड़ी चला रहे हो, कैसे चलाते हो, कितनी सेफ चलाते हो। होप करता हूं वीडियो आपको पसंद आई होगी, मज़ा आया होगा पूरी रोड ट्रेवल में। अगर पसंद आई हो तो लाइक शेयर और कमेंट जरूर करके बताना। तो मिलते हैं आगे ऐसी किसी और वीडियो में। अब अगली वीडियोज़ में आपको बताएंगे कि हाँ क्यों आए हम गोवा, ये सारा कुछ आपको मैं शेयर करूंगा अगली वीडियो में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।